तो अब जब भी हमारे शरीर के अंदर फैट बढ़ना शुरू होता है तो यार हमारा जो शरीर है फैट को स्टोर करने लग जाता है अलग अलग जगहों पर। कुछ लोग होते हैं जिनके साइड्स पर फैट स्टोर होना शुरू होता है, कुछ लोग होते हैं उनके हाथों के पास फैट स्टोर होना शुरू होता है, वही कुछ लोग होते हैं जिनके इनर थाइज पे। तो ऐसे करके अपने जेनेटिक्स के हिसाब से कुछ लोगों के कहीं फैट स्टोर होता है, कुछ लोगों के कहीं पर फैट स्टोर होता है। अब यार बहुत टाइप के फैट्स होते हैं, कुछ फैट्स होते हैं जो कि आपके स्किन के नीचे होते हैं और कुछ फैट होते हैं जो कि आपके लंग्स, लीवर और हार्ट के पास होते हैं। और जो स्किन के नीचे वाला फैट होता है वो इतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन जो ये दूसरे वाला फैट है जो कि आपके लीवर, लंग्स और हार्ट के पास होता है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस एक फैट होता है। उसको टेक्निकल टर्म में विस्केरल फैट बोल देते हैं और डीपर फैट भी बोलते हैं, और उसको सरल भाषा में हम बेली फैट बोलते हैं, यानी कि आपके पेट के पास, बेली के पास फैट आना। और यार ये वाला फैट सबसे ज़्यादा हार्मफुल इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के ये वाला फैट होता है उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनको कैंसर तक की होने की प्रॉब्लम होती है। अब यार अगर जो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि तुम्हारे बेली फैट कितना है कितना नहीं है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर जो आपकी जो वेस्ट है वो 35 प्लस है तो यानी कि आपके बेली फैट की प्रॉब्लम है और आपको जल्द से जल्द वो चीज़ ठीक करनी चाहिए। वैसे तो यार स्पोर्ट रिडक्शन करना यानी कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फैट कम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर जो आप डिसिप्लिन के साथ करोगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ वही तरीके बताए हैं जो कि आपके बेली फैट को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब यार ये मेरी फिटनेस सीरीज़ की 12th वीडियो है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि आपका फैट कम कैसे होगा, ओवरऑल बॉडी का फैट कैसे कम होगा, आप होम वर्कआउट कैसे कर सकते हो, और आज ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो आप अगर जो ऐसे ही हेल्दी रहना चाहते हो तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा देना। और एक और चीज़, अगर जो कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझे याद से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं 1-on-1 आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो अब बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहली चीज़ है वो है गो मेडिटेरेनियन। अब जितना बोलना मुश्किल है इस वर्ड को उतना फॉलो करना मुश्किल नहीं है। तो यार मेडिटेरेनियन डाइट एक बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडी और बहुत ज़्यादा तगड़ा कंसेप्ट है बेली फैट के लिए, और ये बेसिकली इटली और ग्रीस का ट्रेडिशनल एक काइंड ऑफ डाइट प्लान है जहाँ पर वो ऐसा खाना खाते हैं जिसके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और यार एक सर्वे में भी पता चला है कि जो लोग ये वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं उनका बेली फैट इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज बहुत ज़्यादा कम है। तो अब इस वाली पर्टिकुलरली इस वाली डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको खानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको खाना है सीड्स, नट्स, ऑलिव ऑयल, फिश, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है अगर जो आपको बेली फैट कम करना है। अब जो दूसरी चीज़ है वो है अवॉइड ट्रांस फैट। अब यार फैट बहुत टाइप के होते हैं लेकिन जो सबसे वर्स्ट, जो सबसे घटिया फैट होता है वो होता है ट्रांस फैट, और वो इसलिए होता है क्योंकि ये आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और ऐसे कौन से फूड है जिसके अंदर ट्रांस फैट होता है जो कि आपको अवॉइड करने हैं, वो है बेक्ड फूड, केक्स, कुकीज़, माइक्रोवेव वाले पॉपकॉर्न जो होते हैं आपको वो भी अवॉइड करना है, फ्रोजन पिज़्ज़ा, पोटैटो चिप्स, फ्राइड फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज हो गया, प्रोसेस्ड फूड से भी आपको दूर रहना क्योंकि उसके अंदर भी ट्रांस फैट होता है। तो ये चीज़ें आप अगर जो इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे तो आपके बेली फैट कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि आपको सोल्यूबल फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना है। तो यार आपने सुना बहुत बार होगा कि सोल्यूबल फाइबर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बेली फैट के लिए, लेकिन आज मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अब यार सोल्यूबल फाइबर पानी के साथ मिलकर एक जेल जैसी शेप बना लेता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा स्लो कर देता है, आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को भी स्लो कर देता है, और फूड भी बहुत धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। तो यार जब सारा प्रोसेस धीरे होता है तो आपका जो पेट है वो भरा रहता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती है, कम खाने में, कम कैलोरीज में आपका पेट बहुत टाइम तक भरा रहता है, जिससे कि अल्टीमेटली आपका बेली फैट कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कौन से ऐसे फूड हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये आपको अपनी डाइट के अंदर रखना है ताकि आपका बेली फैट जल्दी से जल्दी कम हो। तो जो पहली चीज़ है वो है ओटमील, फिर बीन्स, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंजेस हो गया, उसके बाद पीज यानी कि मटर, फ्लैक्स सीड, ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर सोल्यूबल फाइबर होता है, और अगर जो इसको आप डाइट में रखोगे तो 110% आपके बेली फैट कम हो जाएगा। अब जो फोर्थ चीज़ है वो है कि आपको कार्ब्स कट करने पड़ेंगे और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। कार्ब्स यानी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करने पड़ेंगे। अब फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आपको कम करने हैं वो है बनाना, वाइट ब्रेड, पोटैटो यानी कि आलू, पास्ता, मीठी दही,
उसके बाद अगर जो आप बियर पीते हो तो वो भी आपको कम करनी पड़ेगी। चिप्स, ये वो चीजें हैं जो कि आपको कम करनी है, लिमिट करनी है अपनी डाइट के अंदर। और अब कार्ब्स कम करके आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि प्रोटीन इंटेक जब आप बढ़ाओगे तो उसके अंदर होता है फुलनेस हार्मोन, जिसको हम PYY बोलते हैं। अब ये अल्टीमेटली करेगा क्या, आपका पेट भरा रखेगा, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और अल्टीमेटली आपका बेली फैट कम होने लग जाएगा। दूसरी चीज प्रोटीन का जो फायदा होता है अपनी डाइट में ऐड करने का, वो ये है कि यार आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि हाउ फास्ट योर बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, यानी कितनी जल्दी आपका जो शरीर है वो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अगर जो आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है तो यानी कि बहुत जल्दी जो भी आप चीज़ खा रहे हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फैट आपकी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं रहेगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपका बेली फैट कम होने लग जाएगा। अब जो फिफ्थ चीज़ है वो है शुगर एंड सॉल्ट। तो यार अब जो शुगर होती है वो आपके बॉडी में फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में फैट स्टोर होना लग जाता है अगर जो आप शुगर इनटेक अपना जो है हाई रखते हो। और जो सॉल्ट है, वहीं पर दूसरी तरफ सॉल्ट क्या करता है, वो आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, यानी कि पानी को इकट्ठा करता है, रिटेन करता है, जिससे कि आप मोटे लगते हो। सरल भाषा में बता रहा हूँ, जिससे कि आप मोटे लगते हो, बेली फैट आना शुरू हो जाता है। अब आपने ये चीज़ वैसे भी देखी होगी कि जितने भी सॉल्ट वाली चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कैलोरीज में। तो आपको बस बेसिक सी इतनी चीज़ याद रखनी है कि सॉल्ट और शुगर वाली चीज़ें आपको कम करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि आपको ख़त्म करनी है, क्योंकि सोडियम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है हमारे शरीर के अंदर, बट आपको लिमिट करनी है। अब जो सिक्स्थ चीज़ है वो है स्ट्रेस। तो यार आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा अपने दोस्तों से भी, अपने दुश्मनों से भी, कि यार जब भी टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ लोग होते हैं वो चॉकलेट खाते हैं स्ट्रेस में, कुछ लोग होते हैं उनको भूख ज़्यादा लगती है, वो कुछ भी जो उनके सामने आता है वो खाने लग जाते हैं। तो यार एक बहुत बेसिक सा साइंस है इसके पीछे कि जब आप टेंशन में होते हो, आप स्ट्रेसफुल होते हो, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको कोर्टिसोल बोलते हैं। और कोर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके एपेटाइट को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके भूख को इंक्रीज करता है। तो जब आप स्ट्रेसफुल हो, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, अल्टीमेटली ज़्यादा खाओगे, जिसकी वजह से बेली फैट आने लग जाता है। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है दिन में 10 मिनट से लेकर 15 मिनट, और इससे आपको बहुत ज़्यादा हद तक स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प मिलेगी। और यार एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जो आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली ट्रांसफॉर्म करूं, आपकी पूरी लुक चेंज करूं, जीरो से हीरो आपको बनाऊं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनको आपको लगता है इस वीडियो की जरूरत है, जिनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, जिनका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है। और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।